Hello everyone, this is me, Sadia, here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट. टॉपिक रीडिंग का रहेगा क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में. जल्दी से क्विकली कार्ड्स पुल आउट करते हैं. इट्स गोना बी अ शॉर्ट शॉर्ट रीड, सो लेट्स सी क्या है उसके दिल में जो आपके बारे में सोच रहा है राइट नाउ. क्या चल रहा है उसके दिल में आपके बारे में राइट नाउ. क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ. जस्ट बी माइंडफुल की जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ. अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन सम हाउ, पहले शायद उसको ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन उसको अब लग रहा है कि यू आर गुड एनफ फॉर देम. शायद पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो जिनकी वजह से वो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे. शायद उनके डाउट्स थे, शायद उनके फियर्स थे, शायद उनके माइंड में नेगेटिविटी थी आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, पास्ट को लेकर, या ये भी पॉसिबल है कि उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा था. समहाउ वो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, जिसके बाद आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है और एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है आपके साथ. मुझे लगता है कि अब समहाउ आपका पर्सन जो है वो फारफिश फ्यूचर के बारे में सोच रहा है आपको लेकर. पहले ऐसी सोच उसकी शायद नहीं थी. आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकते हो, या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो. मुझे लगता है कि समहाउ आपका पर्सन अब आगे की सोचना चाहता है आपके साथ, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में. मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद कोई ब्लॉकेजेस आए थे जो कि अब ख़त्म होते दिख रहे हैं. पहले शायद इसको लगता था कि शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं कर सकता. रीज़न कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इसकी फैमिली की तरफ से जो है इसको लग रहा हो कि ब्लॉकेजेस आएंगे, या फिर इसको अपने डाउट्स और फियर्स थे. अब वो चाह रहा है कि जो इसने माइंड में क्रिएट किए हुए थे डाउट्स और फियर्स जो थे, उनको सब कुछ साइड पे करके एक नया चैप्टर आपके साथ शुरू करे जो कि फुलफिलिंग हो और लॉन्ग टर्म हो. आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है किसी चीज़ में या किसी सिचुएशन में या किसी सर्कमस्टांसिस में ऐसे फंसा हुआ था जहाँ से उसके लिए निकलना मुश्किल था, लेकिन समहाउ अब वो उन चीज़ों से निकल रहा है और अब उसको लग रहा है कि इट्स टाइम फॉर देम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू. सो वो सोच अब आ रही है उसके दिल में, जहाँ पर उसको लग रहा है कि इस कनेक्शन को टाइम दे सकता है, उसको लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को परसू कर सकता है. सो जो भी ब्लॉकेजेस थे, चाहे वो दूरी थी आप दोनों के दरमियान में, डिस्टेंस था, हो सकता है कि आप लोग किसी और सिटी कंट्री में रह रहे थे, हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपकी सिटी कंट्री में हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में वैसे दूरी हो, एज इन कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो. सो वो भी चांसेस हैं कि अनब्लॉक करके बातचीत हो, लेकिन बातचीत डेफिनेटली होगी यहाँ पर, क्योंकि पर्सन जो है कुछ इंटेंड कर रहा है आपके साथ. मुझे लगता है कि आप ऐसे काफ़ी सारे लोग आने वाले टाइम में इस इंसान से मिलोगे और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस कनेक्शन को लेकर. और अगर उसकी फैमिली या फ्रेंड्स जो थे वो अगेंस्ट थे इस रिलेशनशिप के, तो मुझे लगता है कि वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेने का सोच रहा है आपकी तरफ. और मुझे लगता है कि स्पेशली जो नाइट टाइम्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं. आपको हो सकता है कि पर्सन रात को भी ख्वाब में आया हो, या कल रात को, या फिर आने वाले टाइम में भी एक दो दिन के अंदर अंदर आपको ये पर्सन ख्वाब में दिखे और आपके साथ इसकी कोई कम्युनिकेशन हो. और अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि वो क्या कम्युनिकेशन हुई है आपकी इसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे ख्वाब में आकर, वो अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो किसी भी तरह से, तो वो ख़ुद आपको अप्रोच करेगा. आप में से मेजॉरिटी लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये कम्युनिकेशन बहुत जल्द आएगी. और आप बहुत क्लोज हो अपनी डिज़ायर के इस इंसान को लेकर, जो आपके दिल में एक डिज़ायर है रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर. सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहा है, या सीरियसली अप्रोच करना चाह रहा है इस कनेक्शन को लेकर. फैमिली फ्रेंड्स को मनाने का भी प्लान उसके माइंड में है और वो एक्शन लेने के लिए फुल टाइम रेडी है. तो आप में से कुछ लोगों के लिए एरीज भी हो सकता है पर्सन. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके पर्सन के दिल में आपकी वैल्यू समहाउ बढ़ी है. क्यों बढ़ी है मुझे नहीं पता, बट वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में और कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं. सो जो भी ब्लॉकेजेस थे इनके माइंड में आपको लेकर, वो ख़त्म हो गए हैं फॉर श्योर. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए, जो द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.